नमस्कार किसान भाइयों, किसान खबर चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं जयपुर मोहाना मंडी में और आज हो गई है 4 जुलाई 2023। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्याज का ताज़ा अपडेट, वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं गुलशन भाई से। तो क्या तेज़ी के साथ मार्केट खुला है, कितनी आवक आमदनी है, सभी जानकारी होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इधर गुलशन भाई प्याज बेच रहे हैं, पीली पत्ती वाले आप देख सकते हैं। तो सर इसमें क्या है कि जो गुलशन भाई के पास पीली पत्ती का प्याज, मथानिया और नासिक का, ये तीनों तरह की वैरायटी आती है, तो उनसे जानने वाले हैं हम आज का ताज़ा अपडेट क्या है। कैसे हो सर? सर यादव जी, तो आज क्या बाजार खुला सर प्याज में? देखो भाई साहब, मथानी के जो प्याज है वो तो 13-14 रुपए से लेके 18 रुपए सर। बढ़िया क्वालिटी का माल 17-18 रुपए। अच्छा जी सर, और आवक की बात करें तो मथानी कितनी आवक करें? तो देखो भाई साहब, पिकअप और कैंटर मिला के 40-45 साधन तो मथानिया के हैं। अच्छा जी, बाकी आसपास की लोकल पिकअप मिला के 60 साधन है। लाल पीली पत्ती वगैरह मिला? पीली पत्ती अलग है। अच्छा, पीली पत्ती 40-45 साधन अलग है। अच्छा जी सर, लाल के लोकल की भी लाल मिला के और मथानिया साइड की भी पीक पे मिला के कैंटर और पिकअप 60 साधन है बाजार। अच्छा जी सर, और अगर पीली पत्ती वाली की बात करें तो? पीली पत्ती वाली देखो बिक्री भाई साहब, पीली पत्ती भाई बिक्री है 10 रुपए से लेके 15 रुपए। अच्छा जी सर, और जो नासिक वाला है उसकी क्या पोजीशन? नासिक वाला 18-20 रुपए बाजार है, बढ़िया 18-20 रुपए, ऊपर में 20 रुपए, बढ़िया क्वालिटी। तो आवक की बात करें तो आवक कितनी है? की बात करें तो इसकी नासिक की तो 2-3 गाड़ी है मार्केट में। अच्छा जी, बाकी नीचे 5-7 गाड़ी का बैलेंस है। बैलेंस है कल का सर। तो आज ग्राहकी कैसी है सर? ग्राहकी कल से थोड़ी कम है, कल से थोड़ी कम, मंगलवार करके थोड़ी कम ही रहती है। अच्छा जी, अच्छा जी सर। तो सर आने वाला समय इसी कैसा रहने वाला है सर प्याज? आने वाला समय देखो सर ऐसे ही चलेगा जिस हिसाब से बना हुआ, अभी इस रेंज में बाजार चलेगा, अभी 10-15 दिन यही रेंज में बाजार चलेगा, स्थिर बाजार, किसी दिन एक रुपया ऊपर नीचे होता रहेगा बाजार। अचानक से जो तेजी आती है वो सर अचानक से ही गिरती है, स्थिर वाली अगर तेजी रहेगी तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ रुकना चाहिए बाजार 15-20 दिन, फिर उसके बाद भले 2-4 रुपए बढ़े बाजार। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बाजार यहाँ रुकेगा एक बार, तो किसान रेट में किसान भी संतुष्ट हो गया, थोड़ा बेचना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो किसानों को कुछ कहना चाहोगे? पहले बहुत नुकसान हो रहा है, किसानों को यही कहेंगे भाई जिसके पास हल्का माल है वो अपना निकालता रहे, जिसके पास बहुत ज़्यादा सुपर है वो थोड़ा आराम से बेच रहे। बिल्कुल सर, भाव मिल सकता है, अभी भाव अच्छा आ गया, किसान को धीरे धीरे बेचना चाहिए माल। बिल्कुल सर, और जिनके हल्के माल बने उनको ज़्यादा दिन अपनी रखना चाहिए। बिल्कुल सर, भाव अच्छा मिल रहा है अब ला के अपना माल बेचो। बिल्कुल, पैसा खड़ा करना चाहिए। चलो जी सर, अपना मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर है मेरा 9893-77-352, दूसरा नंबर है 94-140-57-352, गुलशन ओनियन कंपनी, शॉप नंबर है 12, मोहाना मंडी जयपुर, गुलशन भाई। ठीक है सर, तो ये वाला सर क्या क्या बिका है? ये वाला 17 रुपये किलो, 17 रुपये किलो। ठीक है जी सर, ये वाला सर? ये वाले भी यही 16-15 रुपये। ठीक है, ये वाला सर? ये तो थोड़ा पत्ती कम है, 14 रुपये के। 16 रुपये, और ये सर 13 रुपये, हल्की क्वालिटी का गोल्टा गोल्टी। ठीक है, ठीक है जी सर, ये वाला सर? यही बिक रहा है 17 रुपये। अच्छा, 15 रुपये, ये 17 है, ये 15 सर। ठीक है जी सर, तो आप देख सकते हैं आज का जो ताज़ा अपडेट मैंने आपको बता दिया, और कहां तक भाव जाएगा और किसानों को प्याज बेचने में फ़ायदा है या नुकसान, सभी गुलशन भाई ने बताया। तो अपने हिसाब से आप प्याज बेच सकते हैं, आपको लगे कि प्याज अभी रुकना चाहिए तो अच्छी क्वालिटी का ही प्याज आपको रोकना चाहिए। तो ये था आज का ताज़ा अपडेट, नमस्कार।